Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching UGC Net YouTube channel. Myself Preeti, your UGC Net Paper 1 faculty. I hope everyone is fit and fine. So, आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन कॉन्सेप्ट प्लस PYQ कैसे बनते हैं, क्योंकि अभी हमारा बेसिक शुरू करेंगे तो हम कॉन्सेप्ट पहले सीखेंगे और उसके बाद जस्ट आइडिया कि कैसे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं वो चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे. बाकी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस जैसे 23 के क्वेश्चंस हमारे पास आ जाते हैं और अर्लियर जो भी क्वेश्चंस रहे हैं उसके बाद हम लोग चीजों को स्टार्ट कर देंगे. अभी के लिए 1-1.5 महीना हमें ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के ऊपर फोकस करना है. PYQ उसके बाद में आता है, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपका PYQ करने का कोई फायदा नहीं है. सो जिसने भी ज्वाइन कर लिया है जस्ट फटाफट से सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इसका पार्ट बन पाए. और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं देन डू सब्सक्राइब द सेम. पेपर वन का टेंशन नहीं लेना है, पेपर वन को हम बहुत अमेजिंग तरीके से करने वाले हैं. तो आई होप सभी ने लाइक और शेयर कर दिया है. 1 मिनट और वेट करेंगे उसके बाद हम लोग सेशन को शुरू करते हैं. तो हमारे पास जो फ्री क्लासेस है, मेरी फ्री क्लासेस की टाइमिंग है 3 PM मंडे टू फ्राइडे यूट्यूब एंड 7 PM मंडे टू फ्राइडे फ्री मास्टर क्लास होता है टेक्स्ट बुक ऐप पे. तो ये दोनों क्लासेस का बेनिफिट उठाइए, बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं ये दोनों की दोनों. और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें स्ट्रक्चर तरीके से तैयारी करनी है, इन डेप्थ आपको बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस कवर करना है, राइट, तो आप दिसंबर 23 के साइकिल के लिए सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं जिसमें यू कैन अप्लाई प्रीति एच कूपन कोड PRITIH कूपन कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट. ठीक है, तो लाइक शेयर जरूर करना है, इस चीज को मिस नहीं करना किसी भी स्टूडेंट को. तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन जस्ट एक छोटा सा मोटिवेशनल कोट. गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन पिछली गलतियों से नहीं सीखना और इसे बार बार दोहराना ही सबसे बड़ी क्या होती है, भूल होती है. बिकॉज अक्लमंद लोग न सिर्फ अपनी अपनी बल्कि गलती जो दूसरे करते हैं उनसे भी क्या है वो सीखते हैं और अपनी सफलता को हासिल करते हैं, राइट. तो कभी भी गलतियों से आप लोगों को हार नहीं मानना है. जो भी एग्जाम्स में गलतियां करके आने हैं उनको दोहराना नहीं है बल्कि उनसे सीखना है कि जो अब की बार में जून साइकिल में गलतियां करके आया हूं ना या फिर आई हूं तो उसको अभी मुझे रिपीट नहीं करना है, राइट. जी हाँ, बाकी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है. बाकी आप सर्च करेंगे प्रीति पेपर वन टेस्ट बुक करके आपको मिल जाएगा, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन दैट इज स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन. और इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इतने ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं. बेशक से आप 23 के PYQ आ जाए या 22 के PYQ ऑलरेडी है आपके पास, वहां से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं. देखिए, तो अगर मैं स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन की बात करूं तो पूरा इस डायग्राम के इर्द गिर्द आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जाता है. भाई लाइक शेयर मिस मत करिएगा. पूरा इस डायग्राम के आसपास ये कॉन्सेप्ट जाता है और इसके अंदर 4 केसेस आप लोगों को लर्न करने पड़ते हैं. 4 केसेस के बिहाफ पे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है. आज सिर्फ मैं स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन कराऊंगी, इमीजिएट इन्फेरेंस में नहीं कराऊंगी क्योंकि इमीजिएट इन्फेरेंस के क्वेश्चन फिर हम अलग से करेंगे. आज सिर्फ स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन क्या होता है वो डिस्कस करने वाली और चारों उसके पैटर्न क्या क्या, चारों केसेस क्या क्या है. तो सबसे पहले हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट केस आ जाता है, कॉन्ट्राडिक्टरी. कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब क्या होता है, विरोधाभाषी. क्या होता है, विरोधाभाषी मतलब जो चीज कॉन्ट्राडिक्ट करे. लेट सपोज मैंने बोला कि दिन है तो आप बोलोगे नहीं मैम रात है, तो आपने मेरे कॉन्ट्राडिक्टरी बात की. मैंने बोला मैं हैप्पी हूं, आप बोलोगे नहीं मैम सैड है, तो मतलब साथ तो चलना ही नहीं है. उल्टा चलने वाली जो आदत होती है ना वो कॉन्ट्राडिक्टरी केस है. एक सिंपल सा गांठ आप बांध लो वर्ड्स को कि जो उल्टा चलने वाली बात, अगर मैं बोलूंगी ट्रू तो आप फॉल्स, अगर आप बोलते हो फॉल्स तो मैं क्या बोलूंगी ट्रू. समझ आया. तो लेट सपोज मैंने बोला, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपके पास ऑल का केस आता है, नो का केस आता है, सम है और सम और नॉट है. ठीक है, ये 4 केसेस है. इस डायग्राम को आप सिर्फ जेड से ड्रॉ कर सकते ए ई आई ओ वोवल से याद कर सकते हैं. ए मींस ऑल, ये है आपका नो का केस, आई मतलब सम और ये मतलब है आपका सम नोट. ये याद रखना जरूरी है, आगे पीछे हो गया तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा. तो हमेशा जो डायग्राम में, अब ये देखो आपका ये वाला शेप कहाँ बनता है, ये वाला शेप इन दो के बीच में बनाना, ए से ओ के बीच में, ई से आई के बीच में, इन्हीं के बीच में ये क्रॉस बना है. तो आपको ये देखना है कि एग्जामिनर पूछेगा ए और ओ का कनेक्शन कैसा होता है. ऑल और सब नोट नहीं देगा,
आपको ओ देगा यहाँ पे। ओ आपको याद रखना सम नोट को डिनोट करता है। और याद रखने का ट्रिक क्या है, नॉर्मली रूटीन के अंदर जो वॉवल्स आते हैं जिस ऑर्डर में उसी को आप लिखते जाओ। जेड ड्रॉ किया, ए ई आई ओ, यू को यहाँ पे इग्नोर कर देना जो आपका वॉवल होता है। तो ऑल का अब ये रूल बोलता है कि अगर यहाँ पर एक चीज ट्रूथ है, मान लिया बोल दिया मैंने ऑल एस एस पी क्या है ट्रू है, तो ये क्या बोलेगा, कॉन्ट्राडिक्ट्री चलेगा, बोलता मैं तो फॉल्स बोलूंगा इसको। लेट सपोज मैंने इसको बोल दिया ट्रूथ, तो बोलेगा नहीं मैं तो इसको फॉल्स बोलता हूँ। तो क्या बोलता है कि व्हेन ट्रूथ ऑफ वन इम्प्लाई द फैलेसिटी ऑफ अदर एंड कन्वर्सली, मतलब वाइस वर्सा ये केस चलता है। अगर आपने इसको ट्रू बोला तो ये फॉल्स है, और इसको अगर आपने ट्रू बोला तो ये फॉल्स है। सेम केस इधर है, इसको फॉल्स बोला तो ये ट्रू है, और इसको फॉल्स बोला तो ये ट्रू है। तो ये आपका कहलाता है कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चंस। में लास्ट में दिखाऊंगी कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो डायग्राम ड्रॉ करना है आपको, जेड लिखा ए ई आई ओ, सिंपल सा ये जेड ड्रॉ कर लो, और सिचुएशन क्या दे रखी है वो क्वेश्चन से आपको पता चलेगी। ये था आपका कॉन्ट्राडिक्टरी का केस। अगला केस आता है आपका कॉन्ट्रेरी, ठीक है। कॉन्ट्रेरी हमेशा क्या होता है, यूनिवर्सल्स के बीच में होता है। देखो ऑल और नो, ठीक है, ऑल और नो, ये दोनों केस कैसे हैं, यूनिवर्सल। ऐसे ही सम और सम नॉट, ये दोनों केस कैसे हैं आपके पर्टिकुलर। अब सम लग गया मतलब सम बॉयज हैं, सम गर्ल्स हैं, सम एप्पल हैं, कुछ की बात की है तो कुछ में की पर्टिकुलर पॉइंट की बात की है। ऑल मतलब सारे के सारे, यूनिवर्सल। नो भी मतलब सारे के सारे। तो ये आपके ऊपर जो टर्म्स आती हैं, तो ऑल और नो के बीच मतलब यूनिवर्सल से किसके बीच में होता है, यूनिवर्सल के बीच में। वापस जेड ड्रॉ कर लो, ए ई आई ओ। मैम ने क्या बताया, ये पहली कंडीशन है कि यूनिवर्सल से यूनिवर्सल के बीच में होता है, राइट है। ये कैसा केस होता, अफर्मेटिव पॉजिटिव, और ये कैसा केस होता है, नेगेटिव की, बिकॉज नो वाला स्टेटमेंट है, और ये आपका क्या आ जाएगा, अफर्मेटिव। अब आता है कि अगर इसके अंदर इसका सबसे बड़ा केस क्या होता है, कि अगर आपके यहाँ पे दोनों चीजें यहाँ पे एक ही टाइम पे ट्रू नहीं हो सकती। कहने का मतलब ये बोलता कि मैं दोनों ट्रू को अलो नहीं करता, बट मैं दोनों फॉल्स को क्या करता हूँ, अलो करता हूँ। सेशन को लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, और चैनल पे पहली बार आए हैं ऑल्सो सब्सक्राइब द सेम, राइट। बहुत अमेजिंग टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो अगर यहाँ पे आपका ये बोलता है, लेट सपोज मान लिया मैंने कोई भी स्टूडेंट लगा लिया जिसका नाम ए है, अगर मैं बोलूँ कि ए आपका यहाँ भी बैठा है, ए आपका यहाँ भी बैठा है, भाई इंसान ए का दो जगह कैसे बैठ सकता है। इज इट पॉसिबल कि आप क्लास में भी बैठे हैं और आप अपने कजन के पास भी गए हुए हैं, एक इंसान है तो दो जगह तो नहीं हो सकते ना। तो इसीलिए बोलता है कि ये दोनों जगह पे सेम टाइम पे अगर आपको बोले ना, अगर ये ट्रू है तो आप कभी भी नहीं बोलोगे कि ये आपको ट्रू मिलेगा, ये हमेशा आपका रोंग मिलेगा आपको। मतलब एक ही टाइम पे दोनों ट्रू का केस कभी भी नहीं हो सकता, राइट। अब एक ही टाइम पे दोनों ये फॉल्स हो सकते, बोलोगे मैम कैसे। अब हो सकता है ना तो आप क्लास अटेंड करने आए, ना ही आप अपनी कजन के पास गए, ठीक है, ना क्लास में है ना आप कजन के पास है, तो एक ही टाइम पे दोनों जगह आप एब्सेंट हो, ये चीज तो पॉसिबल है ना। मतलब एक टाइम पे दोनों जगह फॉल्स हो सकता है, मतलब दोनों फॉल्स हो सकते हैं, बट एक ही टाइम पे दोनों चीजें ट्रू नहीं हो सकती। देन उसके बाद अगर मुझे ये पता चल जाए कि ए जो स्टूडेंट है वो क्लास में बैठा है, मान लिया ये चीज ट्रू बता दी, तो मैं पक्का बोल दूंगी। अब मुझे पता है कि ये स्टूडेंट मेरी क्लास में बैठा है, तो मैं पक्का बोल सकती हूँ ना कि ये कजन के पास जा ही नहीं सकता। तो मुझे ये चीज पक्का पता है कि ये पक्का क्या होगा, आपका फॉल्स होगा। बट अगर मुझे ये चीज पता है कि ये फॉल्स है, तो ये क्या होगा, डाउटफुल। सारे केस मैंने आपको बता दिए, रिजल्ट क्या निकला, दोनों एक टाइम पे ट्रू अलाउ नहीं करता, बट दोनों फॉल्स को अलाउ करता है, और ये किसका केस है, कॉन्ट्रेरी का केस है। उसके अलावा अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा, बट अगर एक फॉल्स है तो दूसरा क्या होगा, डाउट रहेगा। क्लियर हुआ। अब अगर आपको ये याद हो चुका है, कॉन्ट्रेरी आपको समझ आया है, तो इसी के विपरीत में क्या होता है आपका, सब कॉन्ट्रेरी। इसका बिल्कुल उल्टा चले जाएंगे। सब कॉन्ट्रेरी देखो किसके बीच में होगा, सब कॉन्ट्रेरी आपका आ जाता है पर्टिकुलर से पर्टिकुलर के बीच में, ठीक है।
पर्टिकुलर से पर्टिकुलर, आपने देखा था ये किसके बीच में था, यूनिवर्सल से यूनिवर्सल के बीच में था। अब मैम ने बोला ये उसका उल्टा चलता है, तो ये पर्टिकुलर से पर्टिकुलर हो गया। अब वहां मैं बता के आई थी ये दोनों ट्रू को पसंद नहीं करता, बट ये दोनों फॉल्स को अलो करता है। ये बोलता मैं तो उल्टा चलूंगा, मैं बोलता हूँ मैं दोनों फॉल्स को तो पसंद नहीं करता बट मैं दोनों ट्रू को अलो करता हूँ। समझ आई मेरी बात? इसने क्या बोला कि मैं दोनों फॉल्स को मैं नेगेटिव मानूंगा, दोनों फॉल्स को मैं अलो नहीं करूंगा, बट मैं दोनों ट्रू को क्या यहाँ पे मान सकता हूँ। यही बोला है ना, दे कांट बोथ बी फॉल्स, दोनों एक ही टाइम पे ट्रू नहीं हो सकते। और ये किसके बीच में होता है, आपका आई और ओ के प्रपोजिशन के बीच में आ जाता है। ये बात क्लियर? अब वो बोलता था कि अगर एक ट्रू है तो दूसरा पक्का क्या होगा, फॉल्स। लेकिन ये बोलता है अगर ये फॉल्स है तो ये क्या होगा, ट्रू। ठीक है, इसका उल्टा चला जाएगा, ये बिल्कुल उल्टा चलता है। अगर ये फॉल्स है तो दूसरे वाला क्या होगा, ट्रू। और इसके अलावा अगर ये चीज ट्रू, ये वाला जो पर्टिकुलर केस है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ध्यान रखने। अब लास्ट आ जाता है सब ऑल्टरेशन। सब ऑल्टरेशन होता है इसके बीच में, ऑल और सम, नो और सम नोट के बीच में। मतलब यूनिवर्सल से कहाँ गया, यूनिवर्सल से पर्टिकुलर में जाता है। ये भी यूनिवर्सल से कहाँ गया, पर्टिकुलर में गया। बात समझ में आई? तो इसको बोला गया है सब ऑल्टरनेशन। सब ऑल्टरनेशन का मतलब अब यहाँ पे क्या निकल के आया, अगर आपका यूनिवर्सल ट्रू है, मैंने बोला मेरे बैग में ना 100 एप्पल, और 100 एप्पल ना बहुत अच्छे हैं, तो मैं बोलूंगी कि इनमें जो 2 एप्पल है वो भी अच्छे होंगे। क्या मैं ये बोल सकती हूँ? जब मुझे पता है 100 के 100 एप्पल अच्छे हैं, तो उनमें से 2 बोलू 4 बोलू, पर्टिकुलर केस, मतलब 2 4 6 8 कितने भी एप्पल्स बोलती हूँ, तो वो सारे सही होंगे कि नहीं होंगे? बस अगर मैंने बोल दिया कि आपका ये वाली चीज क्या है, ट्रुथ है, यूनिवर्सल का केस आपका ट्रू है, तो पर्टिकुलर भी क्या होगा, ट्रू होगा। समझ रही मेरी बात? पर्टिकुलर भी क्या होगा, ट्रू। तो याद रखेंगे सच्चाई किसे कैसे आती है, नीचे। बट अगर मैंने बोल दिया कि आपका पर्टिकुलर केस क्या है, फॉल्स है, मान लिया पर्टिकुलर केस है वो क्या है, फॉल्स है, तो यूनिवर्सल क्या हो जाएगा, ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। यूनिवर्सल आपका क्या आ जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। बातें क्लियर हुई? अब मैं छोटा सा आपको एक डायग्राम बताती हूँ। ये देखो कॉन्ट्रेडिक्टरी में क्या बोला, अगर एक प्रोपोजिशन ट्रू है तो दूसरी फॉल्स, एक अगर फॉल्स है तो दूसरी ट्रू। यही एक का समराइज तरीके था, समरी ऑफ रूल्स दे रखा है ताकि पूरे टॉपिक को हम एक ही स्लाइड पे कवर कर पाए। और ये शॉर्ट नोट्स भी आप बनाते रहिएगा, बिकॉज शॉर्ट नोट्स की इंपॉर्टेंस आपको लास्ट मिनट में पता चलेगी। ठीक है, कॉन्ट्रेरी क्या बोलता, अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा, और एक फॉल्स है तो दूसरा क्या होगा, डाउटफुल। बट ये बोलता मैं दोनों ट्रू ट्रू अलो नहीं करता, दोनों फॉल्स फॉल्स में अलो करता हूँ। क्लियर? सब कॉन्ट्रेरी बोलता है अगर एक ट्रू है तो दूसरा क्या होगा, डाउटफुल। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, अगर कोई मिस्टेक, हाँ ठीक है ठीक है, ठीक लिखा हुआ है। अगर एक ट्रू है तो दूसरा डाउटफुल होगा, और एक अगर फॉल्स है तो दूसरा क्या होगा, ट्रू। और दूसरी बात, मैं फॉल्स फॉल्स को अलो नहीं करता, मैं ट्रू ट्रू को क्या करता हूँ, अलो करता हूँ। सब ऑल्टरनेट किसके बीच में होता है, ए आई और ईओ के बीच में आ जाता है। ए एंड आई प्रपोजिशन है, ई और ओ प्रपोजिशन है। ये बोलता है कि अगर आपका यूनिवर्सल ट्रू है तो पर्टिकुलर भी ट्रू होगा, और अगर आपका पर्टिकुलर ट्रू है तो मुझे पक्का नहीं बोल सकती कि यूनिवर्सल आपका क्या होगा, डाउटफुल होगा, क्योंकि मैं पक्का नहीं बोल सकती। अब ये बताओ, ए ई आई ओ, मुझे ये पता है कि 2 3 एप्पल अच्छे हैं, ठीक है, ये चीज मुझे ट्रुथ पता है। बट इसमें ऑल के अंदर आपके मान लिया 100 एप्पल है, मुझे सम का केस तो पता है कि 5 10 15 20 एप्पल ना बहुत अच्छे हैं, तो क्या मैं ये पक्का बोल सकती हूँ कि 100 5 10 के बिहाफ पे 100 के 100 एप्पल आपको अच्छे मिलेंगे? मैं ये नहीं बता सकती। तो इधर ये जो केस आपका क्या बन जाएगा फिर, डाउटफुल। अगर ये ट्रूथ आपका दे रखा है तो आपका यूनिवर्सल केस क्या बनता है, डाउटफुल बनता है, राइट। और ऐसे ही अगर आप लोगों का ये चीज फॉल्स है तो हम पक्का क्या बोल देंगे, ऊपर वाला भी आपका फॉल्स होगा। तो ये है आपका स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन। और अब मैं दिखाती हूँ थोड़े से आपको क्वेश्चंस। ये देखिए, मान लिया एज पर ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर सब ऑल्टरनेट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सब ऑल्टरनेट का केस है। आपके पास 30 सेकेंड्स का टाइम है, फटाफट से मुझे कॉमेंट सेक्शन में आंसर करिए।
और ये ध्यान रखिए जितने भी नए स्टूडेंट हैं पुराने स्टूडेंट हैं 23 में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं आपके इस टॉपिक से। हालांकि ये टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका जस्ट एक पोर्शन मैंने करा है। अभी इसी के अंदर आपको इमीडिएट इन्फेरेंस भी करना और इमीडिएट इन्फेरेंस के अंदर आगे कन्वर्जन ऑपवर्जन कॉन्ट्रपोजिशन वो भी करने हैं। तो ये जस्ट हमने कुछ पार्ट किया ताकि धीरे धीरे हम स्टार्ट कर पाए, नए स्टूडेंट्स के लिए एकदम से बर्डन ना लगे। जी हाँ, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी एंड सी। अब देखो क्या बताया था मैंने, ये होता है कॉन्ट्रेरी, ठीक है, ये क्या होता है? सब कॉन्ट्रेरी, ए ई आई ओ, ये है मेरा ऑल, ये है मेरा नो, ये है मेरा सम, और ये क्या है? सम नोट का केस। अब बताओ सब कॉन्ट्रेरी किसके किसके बीच में हुआ? सम और सम नोट के बीच में। तो उठाओ कौन सी प्रपोजिशन है सम की? एक तो ये सम नोट आ गया और ये आपका क्या आ गया? सम प्लांट आ, ऑक्सीजन। सब कॉन ऑल्टरनेट पूछा, सॉरी सॉरी, कॉन्ट्रेरी नहीं पूछा आपसे, सब ऑल्टरनेट पूछा है। तो सब ऑल्टरनेट आपका किसके बीच में होता है? ए आई ओ, सब ऑल्टरनेट आपका इनके बीच में होता है। ये क्या आपका ऑल और सम के बीच में, और ये क्या नो और सम नोट के बीच में। तो ऑल और सम का केस देखो, ये ऑल है, सम प्लांट आर ऑक्सीजन प्रोड्यूसर और सम प्लांट आर ऑक्सीजन प्रोड्यूसर। तो ए और डी, ए और डी ऑप्शन में है, ए और डी तो ऑप्शन में ही नहीं है। देन चेक करते हैं नो और सम नोट का केस, ये नो का ये है और सम नोट का ये, तो बी और सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर कॉन्ट्रेरी टू ईच अदर, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एक दूसरे का कॉन्ट्रेरी है? बिल्कुल बेसिक से हम शुरू करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम लोग जिस बच्चे को आ चुका है तो उसको कंसिडर करेंगे नहीं करेंगे, तो सबको एक साथ लेके चलेंगे ताकि नए स्टूडेंट्स का भी इधर टॉपिक्स अच्छे बनते जाएं। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, और आप सर्च भी करेंगे ना प्रीति पेपर वन टेस्ट बुक करके तो आपको मिल जाएगा। और स्ट्रक्चर तरीके से प्रिपरेशन के लिए कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं। गुड, तो कॉन्ट्रेरी किसके बीच में होता है? इनके बीच में, ए ए क्या है मेरा ऑल का केस और ये है मेरा नो का केस। ऑल आपका ये है और नो आपका ये है, तो क्या बना? ए और डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, ऑपोजिशन बिटवीन ए यूनिवर्सल एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग पर्टिकुलर प्रपोजिशन इज कॉल्ड सबऑल्टरेशन। बताओ क्या यूनिवर्सल से पर्टिकुलर जो केस आता है क्या वो सबऑल्टरेशन का केस आता है? नेक्स्ट, अपोजिशन बिटवीन नो एस इज पी और सम एस इज नॉट पी इज कॉल्ड सब ऑल्टरेशन। क्या आपका नो का और सम नोट का जो केस है वो भी सब ऑल्टरेशन आता है? तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। इस सेशन को सारे स्टूडेंट्स लाइक और शेयर करो, बिकॉज जब आप लाइक शेयर करते हैं तभी कॉन्फिडेंस अच्छा आता है और दी बेस्ट चीजें करने का फिर और ज्यादा मन करता है। जी, सो करेक्ट आंसर क्या है? बोथ आर करेक्ट। देखो आपका यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल केस है और ये पर्टिकुलर केस है, तो ये किसका केस बन गया? सब ऑल्टरेशन का, है ना। उसके अलावा नो, ये नो का केस है, ये सम नोट, ये भी किसका एग्जाम्पल? एग्जाम्पल ऑफ ओपोजिशन किसके बीच में हुआ? सब ऑल्टरेशन। सो ये है आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, ये है आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन कि इन स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन ऑल एस इज पी का कॉन्ट्राडिक्ट्री क्या होगा। तो इसका आंसर आप लोगों को देना है आफ्टर द सेशन इन द कमेंट सेक्शन। जितने भी स्टूडेंट सेशन देखते हैं, सेशन के बाद होमवर्क का आंसर जरूर किया करो, इससे पता चलता है कि कितने स्टूडेंट्स को टॉपिक समझ आया, कितने को नहीं आया है, और उसके साथ साथ आपको भी पता चलेगा कि भी क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने, एटलीस्ट आप गलत या सही कुछ ना कुछ तो उसका निकालोगे ना आंसर। तो सभी बच्चे आफ्टर द सेशन इसके अंदर कॉमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी सेशन आप लोगों का मिस ना हो। थैंक यू सो मच वंस अगेन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के अंदर। टेक केयर।